हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मास्कल बाबा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनएनएमएस ग्रुप के बारे में। जी हाँ, क्योंकि आज मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि हैकिंग या एथिकल हैकिंग सीखने से पहले कुछ ऐसी बातें मालूम होना ज़रूरी हैं। मालूम ना नहीं होंगी तो आपको नहीं पता होगा कि क्या है, किस तरह है। क्योंकि यूट्यूब में जितने भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं या जितनी भी कोई चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो बिल्कुल सच्ची हो। कि जिसको जो भी मालूम पड़ता है और वो किसी और की चीज़ देख के, और वो लोग दे देते हैं कि बस हाँ ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन है और हमारी एक वीडियो ज़्यादा हो गई तो हमने दे दी। एनोनिमस ग्रुप क्या है, ये कौन लोग हैं, इनके या जो लीडर है वो कौन है, तो आज मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ। जितनी मेरी रिसर्च है, जितनी मेरी अपनी आपके सामने वो चीज़ रख रहा हूँ, शायद ये बात करने से के बाद मेरा चैनल भी बंद हो सकता है। ये नहीं कि मेरा चैनल नहीं बंद हो सकता, शायद हो भी जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता। एनोनिमस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो वही हैं जो कभी ना कभी उनको यूएसए की गवर्नमेंट ने पकड़ा है ब्लैक हैकिंग के वक्त। जो जिनको सज़ा मिल गई या जो मर गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आज तक नहीं मिले या मालूम चला कि वो कहाँ चले गए, पता नहीं चला, तो वही मैं आपको बताऊं, वही लोग ही हैं जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया या जिनका ये मालूम हुआ कि वो पता नहीं कहाँ चले गए। वही इस ग्रुप के लीडर समझो या इस ग्रुप के मेंबर समझो, वही हैं, वही इस चीज़ को चलाने वाले हैं। जब लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ब्लैक हैट हैकर जो पकड़े गए थे नासा को हैक करते हुए या दूसरी चीज़ों को हैक करते हुए पकड़े गए थे, वही हैं इसके मेंबर आज भी। ये एक इन्फॉर्मेशन है, जो यही वो चीज़ है जब जो इस चीज़ को बेसिक में आपको पता होनी चाहिए। कि जो चीज़ आपको पता नहीं होगी तो आपको नहीं पता होगा कि मैं जहाँ पे काम करना कर रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट के लिए करूँ या किसी कंपनी के लिए करूँ, तो जो सामने वाले हैं ब्लैक हैट हैं या कोई भी हैं, तो वो किस तरह हम उनसे बच सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो लोग हैं, ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरे का पूरा ग्रुप इसको चलाने वाली US गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट के भी आला इदारे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से इदारे, तो वही लोग हैं इनको चलाने वाले। और जो बताया जाता है कि इन्होंने नासा को हैक कर दिया या इन्होंने किसी वेबसाइट को हैक कर दिया, तो वो सिर्फ इसलिए नासा को या वगैरह वगैरह, क्योंकि नासा खुद US की गवर्नमेंट या कुछ इदारों से कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाती है, इसीलिए ये लोग रखे गए ताकि जो हमसे कोई बात छुपी हुई ना हो नासा की, तो वो कभी भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या उनको पता चलता है कि नासा हमसे कोई बात छुपा रही है, तो वो ऐसे ग्रुप को आगे कर देते हैं जो उनको हैक करके और उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास ले सके। जिस तरह के आपको ये भी पता होगा, इन्होंने काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे पैसे भी लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए पैसे लिए हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पैसे लिए हैं कि हमने पैसे लिए हैं, हम ब्लैक हैट हैकर हैं या हमारा एक ग्रुप है, हम किसी चीज़ के मेंबर नहीं हैं या किसी के ऑफिशियल मेंबर नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए वो पैसे लिए थे, और वो भी पैसे मनी की सूरत में नहीं लिए थे, करेंसी की सूरत में नहीं लिए थे, वो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में लिए थे इन्होंने, बिटकॉइंस की सूरत में इन्होंने पैसे लिए थे। इन्फॉर्मेशन है जो आपको नेट में कहीं भी नहीं मिलेगी, जो भी अगर आप यूट्यूबर बताएगा तो वो इनका जो मकसद है ये कुछ और है या कुछ और है, ऐसी बात नहीं है। ये कौन है ये पता होना हर एथिकल हैकर को ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने मुल्क को डिफेंस करने के लिए किसी भी कंट्री को टारगेट बना सकते हैं, किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री की वेबसाइट को टारगेट बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक ये आपको पता होना चाहिए, इनकी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए
कि ये कौन लोग हैं। इन्होंने बहुत दफ़ा हर किसी पर अटैक किए हैं और अपने मैसेज भी वहाँ पे छोड़े हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं और कुछ जो चीज़ें हैं सामने नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके और साइड में बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।